जैसे कि ये सब्जेक्ट के ऊपर मेरा पहले भी एक मैंने बाइट दे चुका हूँ। फ्रांसिस चार्ली डिसोजा जो है ये हमारी कंपनी के अंदर काम करता था एज ए एम्प्लॉय। अब फ्रांसिस चार्ली डिसोजा जो है कंपनी में रहते रहते उसने काफ़ी लंबे वक्त तक वो साथ में था, बट अभी आज जो है इसने हमारी कंपनी की कोई एक फाइल थी वो फाइल बीएमसी से चोरी कर लिया, और चोरी करने के बाद हम लोगों को वो प्रेशर में लेने लगा कि हम लोगों को फ्लैट दे दो, मुझे फ्लैट दे दो, मुझे पैसा दे दो, तो मैं आप लोगों की कंप्लेंट नहीं करूँगा। मल्टीपल उसने कई कई जगह पे कई डिपार्टमेंट में उसने हम लोगों की कंप्लेंट किया, तो हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हो गए कि ये फ्रांसिस हम लोगों को एक्सट्रॉड कर रहा है, हमारी फाइल बीएमसी से चोरी हो गया है। तो हम लोगों ने उसकी कुछ रिकॉर्डिंग हम लोगों के पास थी, हम लोगों ने वो रिकॉर्डिंग को और राइटिंग में कंप्लेंट दिया वाकोला पुलिस स्टेशन को। वाकोला पुलिस स्टेशन ने इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर बाद फ्रांसिस चार्ली डिसोजा के ऊपर एफआईआर लॉज रजिस्टर्ड की, सेक्शन 385, 406 और 420, और सेम एफआईआर इसके पहले भी फ्रांसिस के ऊपर हो चुकी है। और अभी जो है पुलिस को ऐसा लगा कि ये जो है हम लोगों को एक्सट्रॉड कर रहा है, जो कि कर ही रहा है वो हर जगह से कंप्लेंट, हर जगह पे, जबकि हर जगह पे वो कंप्लेंट करता है, और कंप्लेंट करने के बाद वो फ्लैट की और पैसे की डिमांड करता है। हम लोगों ने वाकुला पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट किया, वाकुला पुलिस स्टेशन ने ये एफआईआर लॉन्च करी, और उसके और अभी भी वो पुलिस के तो हाथ लगा नहीं, पुलिस उसको ढूंढ रही है। वो कहीं और हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, मैं मेरी बहुत उम्मीद करता हूँ पुलिस स्टेशन से कि इसको फ्रांसिस को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करें, और उसके ऊपर जो एफआईआर जो लॉन्च हुई है उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई करें। मैं मुंबई पुलिस और वाकोला पुलिस स्टेशन से मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत अपील है कि ये फ्रांसिस चार्ली डिसोजा जो है ये कोई फ्रेशर नहीं है, इसके पहले भी उसने सेम चीटिंग और फॉर्जरी का 420 और 406 का उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च वाकुला पुलिस स्टेशन ने किया था, और आज उसके ऊपर 385 यानी कि एक्सट्रॉशन का जो खंडनी का जो केस पुलिस स्टेशन ने जो रजिस्टर्ड किया है। मेरी बहुत बहुत पुलिस स्टेशन से और मुंबई कमिश्नर से अपील है कि ये जो आरोपी है इसको आरोपी को जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए, और ये जो इसके साथ में इसके अंदर और जो जो जुड़े हुए उन लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कीजिए। ये मेरी पुलिस स्टेशन से और मुंबई कमिश्नर से अपील है। सर, ये कंप्लेंट जो हुई है फ्रांसिस चार्ली डिसोजा जो इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ हुई है राइटिंग में वाकोला पुलिस स्टेशन में, जिसकी गंभीरता को लेते हुए वाकोला पुलिस स्टेशन ने फ्रांसिस चार्ली डिसोजा के खिलाफ फिलहाल में प्राइमरी इंक्वायरी करते हुए एक मामला दर्ज किया है, एफआईआर रजिस्टर की है, और जिस एफआईआर के हिसाब से एज पर लॉ जो 41A का नोटिस दिया जाता है, वो 41A का नोटिस फ्रांसिस चार्ली डिसूजा को इशू किया गया था, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला कि वो फ्रांसिस चार्ली डिसूजा ने 41A के नोटिस का कोई भी कंप्लाइंस नहीं किया है। दूसरी बात ये है इसमें कि फ्रांसिस चार्ली डिसूजा ने ऑनरेबल सेशंस कोर्ट में एक एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन फाइल किया है। उस बेल एप्लीकेशन में कोर्ट ने मामले की गंभीरता को और एलिगेशंस को देखते हुए फिलहाल कोई भी रिलीफ नहीं दिया है। कोर्ट ने काफ़ी सख्त पहलू इसमें इख्तियार किया है, उन्होंने इस मामले में फ्रांसिस चार्ली डिसूजा के एप्लीकेशन पे फिलहाल कोई भी उनको इंटरिम या एड इंटरिम रिलीफ नहीं दिया है। अब मामला इस तरीके से है कि जब तक फर्दर कोई रिपोर्ट या कोई पुलिस का स्टेटमेंट से वगैरह फाइल नहीं होता है, पुलिस के जवाब को बिना सुने कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरीके की छूट या रिलीफ देने से साफ तौर पर मना कर दिया है। सर, कोर्ट और पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। पहली एफआईआर जो हुई थी वो भी चीटिंग और फॉर्जरी के ही सेक्शन इम्पोज किए थे वाकोला पुलिस स्टेशन के द्वारा। अब मामला जो है वो थोड़ा और बढ़ गया है, तो इससे समझ में ये आ रहा है कि ग्रेविटी जो है ऑफेंस की बढ़ते जा रही है। पहले जो इम्पोज किए थे सेक्शन 420, 406 में मामला दर्ज हुआ था, इस बार एक्सटॉर्शन का भी मामला है,
और कहीं ना कहीं इस मामले की जड़ जो है वो एक गवर्नमेंट फाइल जो एमसीजीएम के पास डेवलपर बिल्डर कंप्लेनेंट की थी, उस मामले उसका ऐसा है कि वो फाइल्स वहाँ से गायब हुई हैं और उन फाइल को ही आधार बेस बना करके एक्सट्रॉक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी कंप्लेंट राइटिंग में दी गई और पुलिस ने मामला दर्ज किया। जी बिल्कुल, आपका बोलना सही है, क्योंकि अभी फिलहाल मामला जो है उन्हीं सेक्शंस में लिया गया है जो फिलहाल दिख करके आए हैं, जो फिलहाल पुलिस को हमने अपनी कंप्लेंट दी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो है वो फिलहाल अभी तक पेंडिंग है। वाकोला पुलिस स्टेशन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करेगी जिस तरीके से, तो मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इसमें और भी लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं इतने बड़े ऑफेंस में, और भी सेक्शंस इम्पोज होने के चांसेस इसमें बिल्कुल हैं, लेकिन सारा डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन वाकोला पुलिस स्टेशन कितने प्रॉपर तरीके से करती है और उस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद और क्या खुलासे होते हैं।